नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। गुमला के चैनपुर में वीर शहीद पीटर टोप्पो का शहादत दिवस मनाया। सीआरपीएफ के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने किया माल्यार्पण। चैनपुर मुख्यालय के चर्च रोड स्थित वीर शहीद पीटर तिग्गा की प्रतिमा पर चैनपुर सीआरपीएफ के पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उनका शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर शहीद के परिजन भी उपस्थित थे। सभी ने बारी बारी से उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सलामी दी। सीआरपीएफ 218 बटालियन के डीसी आलोक कुमार ने बताया कि पीटर टोप्पो सीआरपीएफ बटालियन पंजाब में पोस्टेड थे। 29 जून 1989 को इनकी बटालियन आतंकवादी गतिविधियों को लेकर नाकाबंदी में लगी हुई थी। तभी हवलदार पीटर टोप्पो ने सामने से आ रही गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी में सवार आतंकवादी पीटर टोप्पो पर गोली चलाते हुए भाग निकले। इस हमले में हवलदार पीटर टोप्पो अपने देश सेवा के कर्तव्य में वीरगति को प्राप्त हुए। 29 जून को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीआरपीएफ 218 बटालियन के द्वारा उनके पुत्र अंजलूस टोप्पो, बहु दिव्या टोप्पो को अंग वस्त्र एवं उनकी प्रतिमा देकर उनको सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से चैनपुर थाना प्रभारी अजय यादव, चैनपुर मुखिया शोभा देवी सहित सीआरपीएफ के जवान एवं ग्रामीण उपस्थित थे। चैनपुर से संवाददाता निखिल सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 29 जून 1989 को जिस समय ये 38 बटालियन में पोस्टेड थे पंजाब में, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी टीम तैनात थी और एक पार्टी जो हवलदार पीटर टोप्पो के नेतृत्व में नाका ड्यूटी के लिए रोड पर लगाई गई थी। जब यह टुकड़ी नाके पर गाड़ियों को चेक कर रही थी तो हवलदार पीटर टोप्पो ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो आतंकवादियों ने गाड़ी रोकने के स्थान पर चलती गाड़ी से हवलदार पीटर टोप्पो पर फायर कर दिया। बल की टुकड़ी के अन्य जवानों ने गाड़ी पर फायर किया, मगर आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हो गए। इस हमले में हवलदार पीटर टोप्पो जो थे गंभीर रूप से घायल होकर देश सेवा में अपने कर्तव्य पर वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी कारण से 29 जून को हर वर्ष की भांति इनका शहादत दिवस इनके सम्मान में मनाया जाता है। धन्यवाद।